दिल में ना हुजूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। कुछ लोग हमसे भी खफा हैं यूं ही शहर में, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। आप कौन हैं, कहाँ हैं और क्या करते हैं, आपकी उम्र कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यू हैव सम मेजर ड्रीम्स टू बी अकॉम्प्लिस्ड, कि आपके पास कुछ बड़े सपने हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं और आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी, अपने समाज, गांव और देश के लिए भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर मेरे ये विचार आपके बारे में सही है तो मैं शुरू करूंगा एक कोट से, इफ यू डू द सेम थिंग दैट यू हैव बीन डूइंग देन यू विल गेट द सेम थिंग दैट यू हैव बीन गेटिंग। इसका मतलब है कि अगर आप वही काम करेंगे जो आप करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलते आया है। हम में से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में कुछ नया, अलग और बड़ा पाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम में से अधिकतर लोग कुछ नया या अलग करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नया या अलग करने का है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेने में पीछे मत रहिए। आज की डेट में इन्फॉर्मेशन या नॉलेज का ना होना गरीबी नहीं है, दरअसल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेने की चाहत का ना होना ही एक सबसे बड़ी गरीबी है। मैं आपसे इतना कहूंगा कि जिस इंसान ने भी आपको ये वीडियो भेजा है, हो सकता है कि वो आपको इतने अच्छे तरीके से ना समझा पाए कि वो आपको कहां बुलाना चाहता है और किस चीज के लिए बुलाना चाहता है। कई बार हम प्रीजज कर लेते हैं कि सामने वाला जो हमें बुला रहा है उसका फायदा होगा, लेकिन विश्वास कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको जहां भी बुला रहे हैं, जिस जगह के लिए भी बुला रहे हैं, जिस इवेंट में बुला रहे हैं, कृपा करके एक बार उस इवेंट को अटेंड कीजिए। और मैं आपके साथ शर्तिया कह सकता हूं कि आप वहां जब जाएंगे तो वाकई ऐसे लोगों से मिलेंगे जो अपनी जिंदगी में कामयाब हैं। विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता कि आप क्या बनना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप सफल जरूर बनना चाहते होंगे। अगर एक इंसान जो सफल बनना चाहता है वो किसी भी फील्ड के सफल इंसान से मिलकर बहुत कुछ अपनी जिंदगी में सीख सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल लोगों से मिलना पसंद करते हैं तो आप इस इनविटेशन को स्वीकार कीजिए और वहां एक बार जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप कुछ ना सीखें, कुछ ऐसा ना सीखें जो जिंदगी में आज तक आप ना जानते थे, तो एक काम कीजिएगा, मेरे चैनल पे आइएगा, उन्हीं से मेरे चैनल का पता ले लीजिएगा और जितनी मन हो कमेंट में आके मुझे गाली दे दीजिएगा, लेकिन एक बार जाइए, अपनी जिंदगी में नॉलेज और इंफॉर्मेशन के लिए आगे बढ़िए, पीछे मत रहिए। कोई नहीं जानता कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कब आ जाए। अक्षय कुमार बैंकॉक में 5 साल तक कराटे और वो मार्शल आर्ट सीखने के बाद, थाई बॉक्सिंग सीखने के बाद जब मुंबई आए तो वो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते थे। उसी वक्त उन बच्चों में से ही किसी एक के फादर ने उनको देखा और कहा कि आप देखने में इतने अच्छे खासे हैं, क्यों नहीं आप मॉडलिंग कर लेते हैं। उन्होंने हाँ कह दिया और जब वो मॉडलिंग करने पहली बार गए तो 2 से 3 घंटे के काम के लिए उनको 21,000 से अधिक का चेक मिला और वो बिल्कुल शॉक्ड थे, सरप्राइज थे, क्योंकि उस वक्त वो महीने के 5 से 6 हजार रुपए कमाते थे और उनको 2 से 3 घंटे के लिए जब 21,000 रुपए मिले तो उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे मॉडलिंग करना है। और आज उसी मॉडलिंग को करते करते आज अक्षय कुमार इतने बड़े एक्टर बन गए हैं। कोई नहीं जानता कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहां है और किस वक्त आपकी जिंदगी बदल जाए। इसलिए मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपके पास भी कुछ बड़े सपने हैं और आप अपनी जिंदगी में खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इनके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कीजिए और जहां ये बुला रहे हैं वहां जरूर जाइए एक बार, वाकई आप बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।